जरा आंखें खोलो कुलसूम। बाबूजी कुलसूम बाबूजी, अल्लाह आपको सेहत दे, अल्लाह ताला आपको तंदुरुस्ती दे। वेलकम नाज़रीन, प्रोग्राम डीएनए के साथ हाजिर हैं। मैं हूं अंजुम रशीद और नाज़रीन मेरे साथ हैं मारूफ सहाफ़ी खुशनूद अली ख़ान। नाज़रीन आज पूरा मुल्क जो है वो सोगवार है और कुलसूम बीबी की वजह से, क्योंकि कुलसूम बीबी जो है वो पाकिस्तान की 3 बार खातून अव्वल रहीं और पाकिस्तान की जो नामवर ख़वातीन हैं उनमें से वो एक थी और उन्हें पूरा पाकिस्तान जानता था नाज़रीन। और इसके अलावा हम मुराद अली शाह साहब ने भाषा डैम पे कुछ एतराज़ किए हैं उस पर भी बात करेंगे, जैसे जावेद इकबाल साहब ने कुछ एहतसाब की बात की है उस पर भी बात करेंगे। खुशनूद अली ख़ान, कुलसूम बीबी जो है वो पाकिस्तान की एक शानदार तरीन ख़वातीन थी, वो पाकिस्तान की जो मिडिल क्लास की औरतें हैं उनका एक मॉडल नमूना थी। वो खुद मिडिल क्लास से थी लेकिन नवाज शरीफ जो है वो अपर क्लास के आदमी थे, लेकिन इसके बावजूद वो नवाज शरीफ की ज़िंदगी में गाइड के तौर पर रहीं, लेकिन कभी भी उन्होंने शोहरत के लिए या पावर के लिए या कॉरिडोर ऑफ पावर में अपना असर दिखाने के लिए कभी कोई कोशिश नहीं की। देखिए बुनियादी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अनगिनत दरूद व सलाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर, उनके आल पर और उनकी औलाद पर। देखें कुलसूम बीबी जो थी ना, वो नवाज शरीफ के ख़ानदान के लिए खुशबख्ती की अलामत थी। जब तक वो मुतहर्रक रहीं उस वक्त तक नवाज शरीफ का ख़ानदान जो है उसे अगर कोई मुश्किल पेश आई तो कुलसूम बीबी ने आगे बढ़ के, ये नहीं कि नमूदो नुमाइश के लिए, उस मुश्किल को हल किया। लेकिन आज मुस्लिम लीग जिस गोमगो का शिकार है वो इस वजह से है कि कुलसूम बीबी जो है वो मौजूद नहीं है। कुलसूम बीबी जो हैं वो जब भी निकली मुश्किल वक्त में घर से निकली, और शायद बहुत कम लोग जानते हैं कि वो ऐसी खातून थी जिसकी दुआएं शायद नवाज शरीफ को उठाए फिर रही थी। वो तहज्जुद गुजार थी, रात 3 बजे उठती थी और नवाज शरीफ के लिए हाथ दुआ के लिए बुलंद करती थी। पाकिस्तान के अवाम में आम तौर पर हुक्मरानों के लिए कुछ अरसे बाद एहतराम बाकी नहीं रहता, इज़्ज़त बाकी नहीं रहती, लेकिन कुलसूम बीबी एक ऐसी औरत थी जिसका तमाम हलकों में बेहद एहतराम था। आज भी आप देख लें, जनाबे इमरान खान, जनाबे जनरल कमर जावेद बाजवा, जनाबे आरिफ अलवी, एएनपी कोई ले ले, किसी बिलावल, ने मुतनाज़े बात नहीं की। आसिफ जरदारी, यस बिलावल, सब जो है उनके लिए बात कर रहे हैं। और औरतों में ख़ास तौर पर बात चीज़ें होती हैं कि वह नमूदो नुमाइश के लिए करती हैं, उन्होंने कभी भी कसदन कोई चीज़ नुमाया होने के लिए नहीं की है। और जब वो सियासी माज पर लड़ी तो उसमें आखिर कर दी। उनकी गाड़ी जिस दिन उठाई गई थी लाहौर में, मैं मौजूद था और जनाब जावेद हाशमी भी उस गाड़ी में थे, यकीन माने वो मुतजलजल नहीं हुई। और वो जो कुछ किया था डिक्टेटर ने उस वक्त के बाद से लोग उनका बेपनाह एहतराम करने लगे और लोगों को ये यकीन हो गया कि अगर एक औरत इतनी बहादुर हो सकती है। यही बात आज कही है इमरान खान ने कि वो बहुत
बहादुर थी। हाँ, असल में और अब जब वो बीमारी के महाज पर लड़ी हैं तो बहुत बहादुरी से लड़ी। खुशनूद अली खान वो जो पाकिस्तान की हमारी मिडिल क्लास की और जो खवातीन हैं वो उनके लिए एक मॉडल खातून थी, क्योंकि मियां नवाज शरीफ पॉलिटिक्स के अंदर बहुत ज़्यादा मसरूफ़ थे और वो तमाम का तमाम वक्त जो है वो अपने घर पे अपने बच्चों को दिया उन्होंने, और इसके बावजूद वो बहुत मुनकसरुल मिजाज थी और वो बहुत हम्बल थी, और वो आप देखें कि वो अपने पहनावे में अपने रहन सहन में वो बिल्कुल मिडिल क्लास की ही नज़र आती थी, और वो इस तरह से इजहार नहीं करती थी कि जैसे वो बहुत एक अमीर घराने से ताल्लुक है उनका, हालांकि उनके पास बहुत पैसे थे, इतने पैसे थे शायद किसी के और के पास शायद ना हो पाकिस्तान लाहौर में, लेकिन इसके बावजूद जो उनका वो था। फिर मियां नवाज शरीफ के बारे में बहुत से पॉलिटिकल सर्कल्स में और सोशल सर्कल्स में जो है मुख्तलिफ स्कैंडल्स का जिक्र होता रहा है, लेकिन कुलसूम बीबी ने कभी अपने मुंह से उफ नहीं की और कुलसूम बीबी की तरफ से कभी नाराज़गी का इजहार नहीं आया, हमेशा वफादारी मियां नवाज शरीफ के साथ रही और वो आखिर दम तक इनके साथ खड़ी रही। और फिर वो जो बात कह रहे हैं आप कि जब वो मियां नवाज शरीफ की गिरफ्तारी पे बाहर निकली तो ये भी जो है वो उनकी एक बहुत शानदार बीवी होने का उन्होंने सबूत दिया। वो पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड कभी भी नहीं थी, उन्होंने कभी भी जब वो बाहर निकली जमहूरियत के लिए और उन्होंने जमहूरियत के लिए तहरीक चलाई और जमहूरियत के लिए उन्होंने मुसीबतें भी उठाई, और वो यही जो जिसका खुशनूद अली खान जिक्र कर रहे हैं, खुशनूद अली खान उनको उनकी गाड़ी जो है वो हवा में मुअल्लक थी और ये बड़ा खौफनाक सीन होता है, लेकिन कुलसूम जो है बिल्कुल मुतमईन थी और काम थी और बड़ी बहादुरी के साथ उन्होंने जमहूरियत के लिए तहरीक चलाई। ये इस मुल्क पर, ये मुझ पर, मेरे बच्चों पर, इस मुल्क के बच्चों पर, आने वाली नस्लों पे उनका एक एहसान है कि उन्होंने पाकिस्तान के बच्चों के लिए, पाकिस्तान की के अवाम के लिए जो है वो उनके बुनियादी हकूक के लिए, उनकी जमहूरियत के लिए जो है जब ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने लड़ाई लड़ी। और फिर उसके बाद वो, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कभी भी, खुशनूद अली खान कभी पावर की बात नहीं की, कभी पावर में आने के बाद कोई अपने आप को इम्पोज करने की बात नहीं की, कभी उन्होंने ये नहीं बताया कि मैं बहुत ताकतवर खातून अव्वल हूँ, और कोई उन्होंने कोई ऐसी एक्टिविटी भी नहीं की जिससे पता चले कि वो पावर को मनूवर कर रही हैं या पावर को इस्तेमाल कर रही हैं या पावर के अंदर आ रही हैं। उनका जो है वो दिलचस्पी सिर्फ अपने शौहर की रिहाई और पाकिस्तान में जमहूरियत से आगे कभी नहीं बढ़ी, इसके अलावा उन्होंने कभी कोई ऐसी सरगर्मी नहीं दिखाई जिससे ये पता चले कि वो एक पावरफुल खातून है, बल्कि वो एक हम्बल, एक मुनकसरुल मिजाज खातून थी। वो थी भी एक मिडिल क्लास से, मिस्री शाह के एक पसमांदा इलाके से उनका ताल्लुक था और एक डॉक्टर उनके वालिद थे, लेकिन मिडिल क्लास के लोग थे, और मियां नवाज शरीफ तो अपर क्लास के लोग थे, इनके पास तो बड़े पैसे थे, लेकिन मियां नवाज शरीफ की को भी जो मिडिल क्लास का डाउन ट्रॉडन का जो सेंस आया है, जो उनको समझ आई है, वो तो कुलसूम बीबी ने दी। जी देखें, एक बुनियादी बात यह है कि मुझे इसे आप खुशकिस्मती कहें या बदकिस्मती, मैं मुझे नहीं पता कई लोग कैसे सोचेंगे, लेकिन मैं समझता हूँ मेरी खुशकिस्मती थी कि मैं, जनाब ज़िया शाहिद और असदुल्लाह गालिब, हमें एक तवील अरसे तक हर रोज़ सुबह उस घर में जाने का इत्तफाक होता था, और बहरहाल उस घर के दस्तरखान से भी हमने फ़ायदा उठाया। फिर बाद में मेरे भाई जो हैं खलील मलिक, वो मियां नवाज शरीफ के मीडिया एडवाइज़र रहे, और आप ये यकीन माने, मैंने ऐसे ऐसे वाक़यात सुने हैं कि मुझे यकीन ही नहीं आता था कि कोई ख़ानदान जो इतना पैसे वाला है, इतनी ताकत वाला है, उसमें ये भी हो सकता है। और बेगम कुलसूम नवाज की ज़्यादा से ज़्यादा इनपुट ये रही कि अगर कुछ महसूस करती थी कि इस फलां बात से या फलां खबर से या फलां मजमून से कुछ ऐसा तासुर मिल रहा है कि वो नवाज शरीफ के हक में नहीं जा रहा, तो वो सिर्फ वो पॉइंट आउट कर देती थी कि ज़रा इसको देख लीजिएगा। फिर मैं आपको बताऊं कि मतलब जो घर होता है ना, घर जिसको कहते हैं, घर भी खातून जो है वो अगर वो सदीके वाली हो तो घर कायम रहता है या घर नज़र आता है,
वरना पैसे घर का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, वो बेतरतीब नज़र आता है। मैंने बहुत तवील अरसा इनके घर को देखा। फिर जो जो आप जो बात कर रहे थे ना, वो एक मशरकी खातून थी, उनके पहनावे से उनका जो जेवर होता था, वो जो हमारी माएँ बहनें कांटे पहनती थीं उस तरह का था, और वो लगता था दूसरी औरतें इसलिए उनके करीब चली जाती थीं या उनसे बात करती थीं कि उन सब को लगता था कि नहीं, ये हमारे हमारे में से ही है। वो जो आप कह रहे थे गरीब औरतों का और उनके साथ जाना सब करना, फिर उनमें गुस्सा किसी ने नहीं देखा। अच्छा, वो हमेशा सबसे खंदा पेशानी से पेश आई। इसलिए मैं कहता कि मेरी राय में वो पाकिस्तान की एक मॉडल अच्छी बीवी, अच्छी माँ थी, और वो अपने हस्बैंड को जो है वो बाऊजी कहा करती थी। ये अभी आपने जो मियां नवाज शरीफ भी उन्हें बता रहे हैं कि बाऊजी आए, बाऊजी जो है वो पंजाबी में खुशूद अली खान बाऊ से कहते हैं, बाऊ पंजाबी में कहते हैं ऐसा ऐसा फैशनेबल नौजवान। तो वो मियां नवाज शरीफ को फैशनेबल नौजवान के तौर पर ही समझती थी, और उनके लिए हाँ। सारी कायनात मियां नवाज शरीफ ही थे, लेकिन मियां नवाज शरीफ हाँ, लेती थी और प्यार से बाऊ जी बुलाती थी। मियां साहब से उसे बेहोशी में भी कह रहे हैं कि बाऊ जी, हाँ बाऊ जी आया है। हाँ, मियां नवाज बाऊ जी आया, ये बहुत ज्यादा वो बाऊ जी कहा जाता था, मतलब खूबसूरती। अब जरा मैं आपको दूसरी तरफ मुझे ब्रेक लेनी है। पहली बात तो ये है कि बहुत बहस हो रही है। खुशी खान, एक मिनट यहाँ पर मुझे है, ब्रेक के बाद हम आएंगे और बीबी कुलसूम पर ही बात रखेंगे। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, ये तो आपने सुना और ये हकीकत भी है कि कुलसूम बीबी जो है वो मियाँ नवाज शरीफ के साथ मोहब्बत का और वफादारी के वो उन्होंने इस तरह से बिहेव किया कि वो एक पाकिस्तान की एक आइडियल, एक कंप्लीट वुमन है, एक कंप्लीट शानदार अच्छी औरत है। लेकिन मियां नवाज शरीफ ने क्या किया? मियां नवाज शरीफ ने खुशूद अली खान जब वो बिस्तर मर्ग पे पड़ी हुई थी, तो वो उस वक्त उनके खिलाफ फैसला हो चुका हुआ था। वो सिर्फ पाकिस्तान इसलिए आए कि उनका ख्याल था कि चौथी बार भी अगर वो गए तो इलेक्शन जीत जाएंगे। वो सिर्फ अपने पॉलिटिकल गेन के लिए अपनी बीवी को बिस्तर मर्ग पे छोड़ के और इसके साथ ही मरियम भी, ये सिर्फ पाकिस्तान में पॉलिटिक्स करने आ गए और जो है अपनी बीवी को ये भूल गए, जबकि अगर ये पाकिस्तान ना आते तो कोई पाकिस्तान में जो है वो कोई तूफान नहीं आने वाला था। यही से होता कि मियां नवाज शरीफ को वोट ना मिलते, वो तो अभी ना मिले और मियां नवाज शरीफ इलेक्ट ना होते। मियां नवाज शरीफ ने और पाकिस्तान कोई मुसीबत में नहीं घिरा हुआ था कि वो यहाँ पे पाकिस्तान को बचाने आ गए थे। मियां नवाज शरीफ ने अपनी पॉलिटिक्स के लिए जो वफादारी का एक सिंबल थी, वफादारी की जो एक अलामत थी, वो उसको छोड़ के यहाँ आ गए। ये मेरा नहीं ख्याल कि कोई अच्छा उन्होंने मयार कायम किया कि एक इतने पुराने रिश्ते के साथ, इतनी पुरानी मोहब्बत के साथ वो इतनी आसानी से छोड़ के आ गए और वो बिस्तर मर्ग पे बेहोश पड़ी हुई थी। अंजुम रशीद साहब, आपका मामला ये है कि आप आज भी असल में पॉलिटिक्स डिस्कस करना चाहते हैं। मैं नहीं करना चाहता, लेकिन मैं आपसे कहूं कि नवाज शरीफ अपने आने के मकसद में, जो मकसद आपने बयान किया है, उसमें कामयाब रहा है। अगर आप सीटों का फ़र्क देखें, अगर आप सेंट्रल पंजाब का रिज़ल्ट देखें, तो फिर आपको एहसास होगा कि क्या हुआ है। ये फौजी इलाके ने थोड़ा सा इमरान खान को सपोर्ट कर दिया है, लेकिन मैं उस सारी बहस में जिसमें आप जाना चाहते हैं मैं नहीं पढ़ना चाहता। पहली बात तो यह है कि आज जब वहाँ इतला मिली कैंप जेल में, नवाज शरीफ को ये इतला दी गई, तो फिर वहाँ कैप्टन सफदर और मरियम, इन तीनों को वहाँ इकट्ठा कर दिया गया। एक नुक्ता यह है जो सारे चैनल्स डिस्कस कर रहे हैं कि इन्हें कितनी रिहाई मिलेगी, यानी कितना पेरोल पे भी उनके साथ होंगे, मतलब पुलिस और हिफाजती इकदाम होंगे। लेकिन मेरा अपना ख्याल यह है, शायद कहीं गलती भी हो सकती है मुझसे, कि इन्हें एक हफ्ते तक का वक्त दे दिया जाएगा पेरोल पे। और दूसरी बात यह है कि अगर नहीं भी दिया जा सकता तो देना चाहिए, क्योंकि नवाज शरीफ के पास पूरे पाकिस्तान ने
और बैरूनी लोगों ने भी आना है, इसके लिए कोई एक तरीका तो ये हो सकता है कि उनके घर को ही सब जेल करार दे दिया जाए और सब जेल करार दे के वहाँ वो पुरसा लेते रहें और मुलाकातें करते रहें। लेकिन यहाँ एक सवाल फिर उठेगा कि क्या ये सबके लिए रियायत है? जब किसी गरीब आदमी की माँ मरती है या गरीब आदमी की बीवी मरती है तो उसे ये रियायत हासिल होती है। मैं समझता हूँ जेल मैनुअल में आज ही वो दिन है जब तब्दीली कर देनी चाहिए और ये सहूलत गरीब आदमी को भी दे देनी चाहिए। ये कोई सियासत नहीं है। बहरहाल एक बड़ी और बहुत अजीम औरत मरी है और वज़ीर आज़म ख़ुद कह रहा है कि वो बहुत ही अजीम थी। जनरल बाजवा भी कह रहे हैं, सदर पाकिस्तान भी कह रहे हैं, लिहाजा इसका कोई ना कोई इंतज़ाम करना चाहिए और कम से कम एक हफ़्ता मेरा ख्याल है दे भी देंगे और अगर नहीं दे सकते तो उसको दे भी देना चाहिए और गरीब आदमी को भी, उसकी माँ बहन बेटी जो भी फौत हो, कोई फौत हो, उसे भी इतना वक्त मिलना चाहिए। जेल तो जेल होती है, हमारी जेलें तो मुख्तलिफ हैं सारी दुनिया से। यहाँ तो वैसे ही बड़ा जुल्म होता है, यहाँ अंदर क्या फैसिलिटी होती है, बाहर की जेलों में तो बहुत फैसिलिटीज़ होती हैं, बहुत चीज़ें होती हैं। लिहाजा इस हिस्से को तो हमें भूल जाना चाहिए और छोड़ जाना चाहिए। खान, मैं आप जरा तसव्वुर करें, खुशनूदी खान मैं आपसे एग्री करता हूं, अगर ये हमारे साथ हो जाए। एक मिनट मेरी बात सुन, सिर्फ एक फिक्रा मुझे कहने दें, फिर आप जो मर्जी कहें, आपका कहना बजा और आपके सर है। मैं ये कहता हूँ कि सिर्फ आज रात तसव्वुर करें, नवाज शरीफ पर रात कैसे गुजरेगी, कुलसूम नवाज पर रात कैसे गुजरेगी और कैप्टन सफदर पे ये रात कैसे गुजरेगी। माँ वहाँ फ्रिज में लगा देंगे, सर्टिफिकेटों के पीछे भागेंगे और वो पाकिस्तान की 3 मरतबा खातून अव्वल रहने वाली खातून जो है उसके साथ क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा। अब मैं असल में आप बात करना चाहते हैं, मैं बात करना चाहता हूँ बेगम नुसरत भुट्टो की। इस मुल्क में दोनों ख़ानदानों के साथ, भुट्टो के ख़ानदान के साथ जो हुआ, बेगम नुसरत भुट्टो जिंदा थीं, कामे में थीं, लेकिन उन्हें मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत का नहीं गया और जिस तरह से उनकी तदफीन हुई, ये मैं समझता हूँ बहुत बड़ा एक जुल्म है कि इनके आखिर में इनके साथ क्या होता है। पहले मियां शरीफ के साथ क्या हुआ, वो आए तो कोई साथ नहीं आ सका और परायों ने उनकी मैयत रिसीव की। क्या इख्तदार का मतलब यह है, क्या सियासत का मतलब यह है, क्या सियासत में ये रिजल्ट्स होते हैं सियासत के कि कोई अपने पैरों को दफन भी ना कर सके। बस मैंने इतनी बात कहनी थी, आप फरमाएं जो ये एक बहुत अफसोसनाक पहलू है कि पाकिस्तान में जो पॉलिटिशियंस हैं, जो सियासतदान हैं, वो जो है वो अगर 5 साल हुकूमत करते हैं तो 15 साल उन्हें जेल में रहना पड़ता है। ये दुनिया में कहीं नहीं होता। दुनिया में सबसे जो ज़्यादा काबिल एहतराम लोग होते हैं वो पॉलिटिशियन होते हैं और पॉलिटिशियन जो है वो कौम के लीडर होते हैं और पाकिस्तान में जो है पॉलिटिक्स होना, पॉलिटिशियन होना जो है वो वाकई गुनाह है। बल्कि मैंने देखा है कि बहुत से लोग जो है अगर जब उनके बच्चे पढ़ लिख जाते हैं तो वो अपने बच्चों को पॉलिटिक्स में जाने से रोकते हैं। इसीलिए आपने देखा कि पॉलिटिक्स के अंदर जो है वो आपको बड़े इकोनॉमिस्ट या बड़े डॉक्टर या बड़े स्कॉलर नहीं नज़र आते, इसलिए कि अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के आपने जेल में भेजने की तैयारी क्यों करवानी है। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरा एतराज़ जो है वो खुशनूद अली खान वो यही है कि समाजी तौर पर एक इतनी बड़ी औरत थी जो अपने शौहर के साथ शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़ी रही और ऐसे खड़ी रही जैसे रिश्ते का तकाजा था और जैसे रिश्ते बताते हैं। लेकिन मियां नवाज शरीफ ने वो रिश्ता नहीं निभाया। मियां नवाज शरीफ को चाहिए था कि सारी दुनिया को छोड़ देता, हर चीज़ को छोड़ देता और वो अगर पाकिस्तान में अगर इलेक्शन हारता, एक सीट ना मिलती, और उसे चाहिए था कि सब कुछ छोड़ के वो अपनी पूरी ज़िंदगी की जो मोहब्बत है, जो औरत उसके लिए हर बुरे और अच्छे वक्त में खड़ी रही, वो उसके साथ उसके आखिरी दिनों में उसके साथ बैठता और अगर कोई इस तरह की बात होती तो फिर पाकिस्तान आता। उसे पाकिस्तान आना नहीं चाहिए था, उसे अपनी पॉलिटिक्स और अपने दूसरे मुफादात को छोड़ना चाहिए था। दे दे के मार देते के नवाज शरीफ बुजल है, उसकी बेटी बुजल है, वो आप लोगों से डरता है, आपके तानों से डरता है,
उसने बहुत बहादुरी की मेरे ख्याल में, वो आ गया। दूसरा, जो भी इस मुल्क में आ गया और जो खड़ा हो गया, उसका बिल आखिर मैंने देखा है कि वो जीत जाता है। और एक दिन ऐसा आता है कि फिर उसके जिंदाबाद के नारे लगते हैं। हमारे यहाँ चॉइसेस बदलती रहती हैं, हमारे यहाँ जालिम बदलते रहते हैं। मैंने जालिमों को मजलूम और मजलूमों को जालिम बनते देखा है। मेरा तजर्बा कम अज़ कम यही है। उसका जो बाऊ जी था ना कुलसूम का, आपने जरा आप तसव्वुर करें, जुल्फकार अली भुट्टो की बेवा वो किस साल में मरी। और अब कुलसूम बीबी अपने बाऊ जी से दूर किस तरह मरी, देखें। मैं आपको बताऊं, आज के दिन पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए, आज के दिन तो को नोहा कहना चाहिए। मैं तो शायर नहीं हूं वरना नोहा कहता। आपने खुद कहा कि बहुत वफादार खातून थी, लेकिन सियासत ने कहां खड़ा कर दिया, कहां ले आई सियासत। खुशनूद अली खान, मुझे यहां ब्रेक, और नाज़रीन ब्रेक के बाद हम हाजिर हो रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा। शाह साहब ने आज जो है वो भाषा डैम के बारे में जो है वो कुछ बातें की हैं। अब तक जितनी भी भाषा डैम के बारे में जो फंड्स के बारे में और भाषा डैम के बारे में जो भी तारीफें आई हैं और जो उसको बनाने के अज़्म का ऐलान आया है वो पंजाब से आया है, लेकिन ये सिंध से जो पहली राय आई है अंदरून सिंध से, ज़रा इसको सुने आप। हाँ, मेरा ख्याल है कि कुछ टेक्निकल मसला है। खुशनूद अली खान, मुराद अली शाह साहब ने कहा है कि भाषा डैम का मंसूबा जो है वो पीपल्स पार्टी ने शुरू किया था, लेकिन इस मंसूबे पर भाषा डैम के अंदर कुछ टेक्निकल एतराज़ात मौजूद हैं। उन्होंने भाषा डैम के ऊपर एक कुछ एतराज़ किया है और उन्होंने एक मुतालबा किया है कि भाषा डैम के मसले पर सूबों को एतमाद में लिया जाए और किसी का पेट काट के मंसूबे ना बनाए जाएं। अब खुशनूद अली खान, ये दो बातें जो है, एक तो वो कह रहे हैं कि सूबों को एतमाद में नहीं लिया और दूसरा कहा है कि भाषा डैम से किसी सूबे का पेट कटेगा। अब पेट कटने का दो मतलब है, एक तो खुशनूद अली खान, एक तो ये हो सकता है कि वो कह रहे हैं कि भाषा डैम के ऊपर जो अखराजात आएंगे वो डेवलपमेंट फंड से कुछ पैसे भी उधर मुंतकिल होंगे तो वो सूबों का हिस्सा कम होगा, और दूसरा बात यह है कि उन्हें भाषा डैम की के मंसूबे के ऊपर कुछ टेक्निकल एतराज़ात भी हैं। तो ये सिंध ने जो है वो भाषा डैम के ऊपर खुशी का इजहार नहीं किया बल्कि तहफ़ुज़ात का इजहार किया है, और ये एक तशवीशनाक बात है। इस मसले का जो है इन एतराज़ात का जवाब आना चाहिए और इस तशवीश को, जो सिंध की तशवीश है, इसको हल होना चाहिए। अच्छा, ये कह रहे हैं कि कल मुराद अली शाह की मुराद अली शाह का जो इंटरव्यू किया था, खुशनूद अली खान, ये मुराद अली शाह जो है वो बयान जो है वो मुराद अली शाह साहब की जुबानी सुन लें ताकि नाज़रीन को पता हो कि हम क्या बात कर रहे हैं। भाषा डैम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़माने में अप्रूव हुआ था, उसके बाद अगली हुकूमत ने भी उसको कुछ आगे बढ़ाया। उसके साथ इशूज़ हैं, दियामीर भाषा डैम के अपने इशूज़ हैं। जो सबसे बड़ा इशू उसकी टेक्निकल फीजिबिलिटी पे एक आता है। जी खुशनूद अली खान, आपने सुना, और उन्होंने ये भी कहा है कि पेट काट कर जो है ये मंसूबा नहीं बनना चाहिए। देखें, पहली बात तो ये है कि इन्होंने जो किया था अच्छा है, इन्हें नसीब हो, लेकिन कल सलमान शाह साहब ने हमें बताया था कि उसकी ज़मीन खरीदी जा चुकी, फिजिबिलिटी बन चुकी। उन्होंने ये भी बताया था कि इसमें गिलगित का कुछ इलाका है, लिहाजा इंडिया इतराज़ करता है कि ये कश्मीर का हिस्सा है। अब हमें अगर सिंध से भी एतराज़ात आएंगे और सूबों से भी एतराज़ात आएंगे, हम आखिर डैम बनने क्यों नहीं देते? कालाबाग डैम जो है वो सबसे ज़्यादा फिजिबल है, लेकिन सिंध को सबसे ज़्यादा एतराज़ है। और सिंध का जो एतराज़ है वो कल आपने सुलेमान शाह साहब से सुना था कि वो कहते हैं कि सिंध का जो बहुत बासर हल्का है वो फलां इलाके में पानी ही देता रहता है। नतीजा ये है कि सेम थोर आ गई है, वहाँ खराबी हो रही है,
मतलब 2 फुट अगर पानी किसी जगह चाहिए तो ये 6 फुट इस्तेमाल करें, 10 फुट करें। तो ये दरअसल मनापली का मामला है। और दूसरा, पेट जो कौमें जिंदा कौमें होती हैं ना, वो पेट काट के ही अपने आप को खुशहाल करती हैं। लेकिन ये थ्योरी शायद हमारे यहाँ हमने कभी मानी ही नहीं। जैसे अलहदा मुल्क हैं इस तरह से हम बिहेव करते हैं। सिंध जो है उसकी हरियाली अब भी जो तरबेला और मंगला का पानी है नीचे जाके सबसे ज़्यादा सिंध के पास जाता है। कर लें हिसाब और देख लें, ये तो नहीं है कि सिर्फ सिंध लिए जाना है, पंजाब जो है उसकी भी बारी आने दें। पंजाब, मैंने अगले दिन भी कहा था कि पंजाब ऐसा है जो बड़ा सूबा है लेकिन इसका कोई लीडर नहीं, इसकी कोई आवाज़ नहीं, कोई इसकी बात करता ही नहीं है। अब चूँकि मुराद अली शाह साहब चीफ मिनिस्टर हैं और मीडिया उन्हें सुनता है, उनके मुकाबले में दूसरी आवाज़ें दबी हुई हैं, लिहाजा वो उस तरह से जवाब नहीं आता। मैं समझता हूँ, चलें बैठ जाएं, इस इन्हीं की बात को मान लें, सारे लोग बैठ जाएं और बैठ के फैसला कर लें। अगर काला बाग हमारे हक में है, सारी वहाँ एस्टेब्लिशमेंट बनी हुई है, सब तामीरात हुई हुई हैं, डैम बनना है, पैसा भी थोड़ा खर्च होना है, वहाँ बना लेना चाहिए। फिर आप तो मुराद अली शाह साहब की बात कर रहे हैं, आज जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने कहा है कि लोग ताने दे रहे हैं कि भीख मांग के नहीं बनता। देखें, जिसके अंदर जज्बा है ना, जो कुछ करना चाहता है। मैं तो जिंदाबाद के नारे लगाऊंगा चीफ जस्टिस के इस मामले में कि उन्होंने इतना इनिशिएटिव लिया, प्राइम मिनिस्टर ने इनिशिएटिव लिया, और कुछ पैसे तो जमा करेंगे ना। लेकिन हम क्या लोग हैं कि हम उनके पीछे भी पड़ गए हैं, उनके कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं, किसी को ना खुद करते हैं ना किसी को कुछ करने देते हैं। बात सुने, और ठीक कहा चीफ जस्टिस साहब खान बात के, भाई आप लोग खुल खुशनुद्दीन खान, ये बात आपको समझनी चाहिए कि पाकिस्तान एक फेडरेशन है, पाकिस्तान पंजाब का नाम नहीं है, पाकिस्तान कोई एक सूबे का नाम नहीं है, किसी एक सकाफत का, किसी एक कल्चर का नाम नहीं है, ये चार सूबों ने आपका मसला पंजाब है, आपका मसला पंजाब है। और पंजाब ऐसा लावारिस है कि कोई इसकी बात ही नहीं करता, कोई इसकी बात, जितना पंजाब के साथ जुल्म हो रहा है ना, इतना किसी के साथ नहीं हो रहा। पंजाब अब पीछे रहता जा रहा है, पंजाब का कोई पूछने वाला नहीं है, पंजाब का कोई लीडर नहीं है, कोई पंजाबी शावनिस्ट नहीं है, पंजाबी बोलने नहीं देते। बात तो सुनो भाई, बात यह है कि भाषा डैम पे चीफ जस्टिस साहब बोले वो भी लाहौर से हैं, इमरान खान साहब बोले वो भी लाहौर से हैं, बाकी बोले वो आप कुछ नहीं बोलने देते कि आप बड़ा बारीक काम करते हैं। हम पंजाबी बारीक काम नहीं करते भाई, बारीक काम करो या क्रोशिए का काम करो, बात यह है कि बात ये एक फेडरेशन है और फेडरेशन को फेडरेशन के तौर पे चलाना चाहिए। पाकिस्तान में जमहूरियत है, अगर आपने भाषा डैम शुरू करना था और भाषा डैम आपने बनाना था तो आपको पंजाब के अलावा दूसरे सूबों की लीडरशिप से बात करनी चाहिए। में यार हमें बनाने दो पंजाब में भाई, हमें पंजाब में पानी हमारे पानी हमारे यहाँ से गुजर के जाता है, हमें बनाने दो, हमारा हक है। हाँ हमारा हक है, तो जैसे सिंधी कहते हैं हाँ, कि जी ऊपर से पानी गंदा में भेज दे रहे, मतलब एतराज क्या है, एतराज क्या है आपका, आपका एतराज यह है कि सारा पानी जो है ऊपर से गंदा करके भेज देते हो, सारी बिजली निकाल के भेज देते हो, तो एतराज आप हिंदुस्तान पे एतराज करते हैं ना, हिंदुस्तान भी यही कहता है कि पानी हमारा है, ऊपर से आता है। भाई ऊपर से नहीं आता पानी, पानी जो हिस्टोरिकली पानी के जो इस्तेमाल करने वाले लोग हैं, पानी उनकी भी मलकियत है। ठीक है पंजाब से गुजर के जाता है, ठीक है हिंदुस्तान से गुजर के पाकिस्तान में आता है, लेकिन हिंदुस्तान को कोई हक नहीं है भारत को कि वो पाकिस्तान का पानी रोके। हम पानी यहां से सारा गुजार के आपको दे दें, आप खुश हैं, आप खुश हैं कि सारा पानी आपको दे दें, हम इधर प्यासे बैठे रहे। नहीं नहीं बात यह कि प्यासे बैठे जिस तरह के दलाल आपके पास है ऐसे ही दलाल हमारे पास है। फिर भाई बात यह है कि आप वन साइडेड फैसला ना करें, पंजाब खाली सारे पंजाबी मिलके कोई एक फैसला ना करें। जब जब पाकिस्तान की बात हो, जब पाकिस्तान के मफादात की बात हो, तो बाकी चारों सूबों को फैसले करने वाले कहां पंजाबी हैं, है?
पंजाब तो मजलूम है, पंजाब मजलूम है, पंजाब की बात सुनता कोई नहीं। ये आप लोग यही कह कह के पंजाब जालिम है, पंजाब खा गया, पंजाब लूट गया, पंजाब के साथ ये हो गया, और आपने मसला बनाया हुआ है हमारे लिए। लेकिन लेकिन हमें हमारा हक दे खुशनूदरी खान, अगर और कोई लीडर ना बना, मैंने पंजाबी लीडर बन जाना, अगर सारे मैंने इलेक्शन लड़ लेना है, मैंने छोड़ देनी है साहब, सुन तो लो, मैंने कहना मैं पंजाबी लीडर हूं भाई, बात तो सुनो भाई। बात यह है कि अगर सारे फैसले पंजाब वालों ने करने हैं और पंजाब और सारा अख्तियार पंजाब के पास होगा तो ये गलत है। छोटे सूबों की बात सुनो, सुने में कौन सा फैसला, अच्छा अब यहाँ कौन सा फैसला, एक छोटी कौन सा फैसला, एक छोटी सी ब्रेक है, कौन सा फैसला, मुझे ब्रेक ले लेने दो, ब्रेक के बाद बात कर लेंगे नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक है, ब्रेक के बाद हम हाजिर हो रहे हैं, इस पर भी बात करेंगे और एहतसाब पर भी बात करेंगे और दूसरे मसाले भी बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। एहतसाब कमीशन के चेयरमैन जस्टिस जावेद इकबाल साहब ने बहुत तवील बात की है और उन्होंने एहतसाब के बारे में मौकफ अख्तियार किया है कि उन्होंने कहा है हम फेस नहीं केस देखेंगे और जो भी करप्शन करेगा उससे हिसाब लेंगे, सबसे बराबर सलूक देंगे और हम जो है वो एहतसाब को जो है वो हर जगह पर हर सूरत में इक्वली जो है बराबरी के तौर पर जो इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जो उन्होंने मिसाल दी खुशनूद अली खान, वो उन्होंने कहा कि जिनके पास साइकिल नहीं था वो उन्होंने जो है वो प्लाजे बना लिए, दुबई में टावर खड़े कर लिए। अच्छा अब वो जो उनकी आज स्पीच का जो टारगेट नज़र आया वो पॉलिटिशियन है और अब तक जो है वो नज़र भी ऐसा आया कि पॉलिटिशियन ही एहतसाब का टारगेट रहे हैं, जबकि करप्शन जो है वो सिर्फ पॉलिटिशियन नहीं है, जो ज़्यादा करप्शन है वो तो ब्यूरोक्रेसी में है। आप हर डिपार्टमेंट, हमारा वापडा, हमारी पुलिस, हमारी इरिगेशन, हमारा कोई डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है जहां करप्शन नहीं है, लेकिन अगर एहतसाब कमिश्नर को सिर्फ पॉलिटिशियन नज़र आएगा तो ये दुरुस्त नहीं है। इससे पहले भी जो है जो एहतसाब हुआ है कि खाली डॉक्टर आसिम को ज़मीन पर लिटा लिया, उससे पहले दूसरों को लिटा लिया, तो ये जो सिलेक्टेड एहतसाब है ये एहतसाब के पूरे प्रोसेस को पलूट कर देगा। खुशनूद अली खान, देखिए आपको कुछ समझ आई है वो क्या कह रहे हैं, जिसके पास यहाँ साइकिल थी उसने दुबई में प्लाजे बना लिए, कि किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं वो, इस हकदार की तरफ लगता ऐसे है, मुझे नहीं पता किसका, मैं एक आम आदमी के तौर पे देख रहा हूँ कि दुबई में जो प्लाजे तो हकदार ने बनाया ना, नाम क्यों नहीं लेते, नाम क्यों नहीं लेते, वो ठीक कह रहे हैं ना कि साइकिलों वालों ने अगर दुबई में प्लाजे बना लिए हैं तो वो कह रहे हैं कि भाई हम उनसे पूछेंगे, जिसके पास यहाँ मोटरसाइकिल था उसने दुबई में प्लाजे बना लिए, पैसा कहाँ से आया, कोई उन्होंने कहा है कोई खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं है ताजरों को, हम बुनियादी बात ये कर रहे हैं कि चीज़ें जब कोई शिकायत आती है, या आपके लिए उन्होंने कहा कि हम डेस्क बना रहे हैं एक, जहाँ डायरेक्टर या डिप्टी डायरेक्टर के उदे का एक आदमी होगा, आप वहाँ जाएँ और खुल के बात बयान करें, और अगर कोई गलती हो गई है तो उससे दरगुजर किया जाएगा, लेकिन जुर्म से दरगुजर नहीं किया जाएगा। वो बुनियादी तौर पर बहुत एक खरे और सच्चे आदमी हैं और बड़ा मतलब कमाल का काम कर रहे हैं वो, आपको मालूम है वो दफ्तर अपने आते हैं, अपने जाती मेहमानों को अगर कोई आ जाए तो जाती तौर पर चाय बना के देते हैं, किसी दफ्तर से चाय का कप भी नहीं लेते, हर हफ्ते में एक कप चाय का जो है दफ्तर से लेते हैं सिम्बॉलिकली, बाकी काम वो खुद करते हैं। और ये जो हमारी अदालतों में जो केसेस हार जाते हैं ना नायब, वो उस सारे को मंगवा के, चूंकि वो जस्टिस रिटायर्ड हैं, वो बाकायदा सवाल पूछते हैं कि भाई ये केस आपने कैसे हारा, फिर उसकी फाइल ले जाते हैं, पूरा पढ़ते हैं और फिर उसको चैलेंज कराते हैं हर चीज को। लेकिन लिहाजा वो ये बातें कह सकते हैं, लेकिन आप ये भी तो देखो ना कि उन्होंने किन हालात में ये चैम्बर से खिताब किया, कोई बात तो ऐसी प्रेस में आई है जिससे वो मुतासिर हुआ है, हाँ, और उन्होंने उसकी वजाहत की है। हाँ, बोलिए अब जरा बात सुन लें। बात यह है कि जस्टिस जावेद इकबाल साहब बिला शुबा जो है वो बहुत बड़े और बहुत गैर जानिबदार और बहुत शफाफ जज हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो जिस इदारे के सरबराह हैं, मैं उस इदारे की हिस्ट्री बता रहा हूँ कि इससे पहले वो चीफ जस्टिस जावेद इकबाल नहीं थे, लेकिन आपने देखा था कि एहतसाब जो है वो सिर्फ सिंध की तरफ रागिब था,
پورے سندھ کو انہوں نے جو ہے وہ زمین پہ لٹایا ہوا تھا. پہلے انہوں نے ڈاکٹر عاصم کو دہشت گردی میں پکڑا, پھر اس میں پکڑا, پھر سارے سندھ کے جو ہے وہ جو صوبائی محکمے ہیں ان کے خلاف کاروائی ہوتی رہی. اس سے پہلے بھی جو ہے وہ ساری کی ساری کاروائی جو ہے اب تک کا جو پاکستان کی ہسٹری ہے کہ ہر پولیٹیشین کے اوپر انہوں نے الزام عائد کیا ہے احتساب کے ادارے نے, چاہے وہ سور وردی ہوں, چاہے وہ جتنے بھی آج تک حکمران ہوئے ہیں, سول حکمران ہوئے ہیں, عوام کے الیکٹڈ لوگ ہیں, ان پہ تو الزام آتا ہے. لیکن جو باقی لوگ ہیں بیوروکریسی, ان جو اصل میں جنہوں نے جو ہے وہ پورے شہر کے شہر کھڑے کر لیے ہیں اور اربوں نہیں کھربوں روپے جو ہے جنہوں نے لوٹے ہیں, اب تک احتساب کا جو اچھا احتساب کے اوپر جو ہے عمران خان صاحب بھی اعتراض کرتے رہے ہیں. اقتدار میں آنے سے پہلے آپ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب نے اعتراض کیا ہے احتساب پہ, جو ہے وہ آصف زرداری نے بھی اعتراض کیا ہے. یہ احد چیمہ کون ہے؟ احد چیمہ کون ہے جس کا احتساب ہو رہا ہے؟ احد چیمہ کون ہے؟ خوشنود علی خان, نواز شریف کو تو آپ نے سزا دے دی 10 سال کی, ابھی جب احد چیمہ کو دیں گے تو پھر آپ بات کیجئے گا. ابھی تک تو نہیں دی نا. اب اسی طرح سے پولیٹیشین کو تو آپ نے لٹا لیا زمین پہ, لیکن بھائی بیوروکریٹ چیمہ بولے ہی جا رہا ہے, جا رہا ہے یہ کام نہیں شہباز شریف نے کیا تھا, یہ کام بھی میں نے نہیں شہباز شریف نے کیا تھا, یہ کام میں نے نہیں شہباز شریف نے کیا تھا. اب وہ کھڑا ہی نہیں ہو رہا, نہیں کھڑا. پہلے اپنی قوت اور طاقت میں نشے میں وہ ایسا تھا, اسے فون کرو وہ جواب نہیں دیتا تھا, اب وہ وہاں اسے چہرہ نہیں. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ احتساب جو ہے وہ پاکستان کا ایک مؤثر ادارہ بننا چاہیے. فواد کون ہے؟ فواد حسن فواد کون ہے؟ ابھی تو کوئی اس کو فواد حسن فواد کون ہے یار؟ فواد حسن فواد ہوں یا احد چیمہ ہوں یا فلانے ہوں, ابھی تک سزا تو پولیٹیشین کو ہوئی ہے. اس سے پہلے 8 سال جو ہے آصف علی زرداری کو آپ نے احتساب کے نام پہ جیل پہ رکھا اور اس پہ کوئی الزام ثابت نہیں ہوا, وہ بری ہو گیا, پھر آپ نے اس کو لمبا لٹا لیا. اب نواز شریف کو جو ہے 10 سال سزا ہوئی ہے, لیکن سارے کا سارا زور جو ہے وہ پولیٹیشین پہ نہیں رہنا چاہیے. ایک نظر آنا چاہیے کہ احتساب جو ہے وہ پاکستان کا میں نے تو نہیں دی یار, احتساب نے دی ہے بھائی. ہیں میں نے نہیں دی, احتساب نے دی ہے. میرے تو ذاتی دوست ہیں, بھائی ہیں, میں نے تو نہیں دی ہے آپ کو, لیکن وہاں کچھ انہیں ملا ہوگا تب بات کی ہوگی. میں کہہ رہا ہوں کہ اب بیوروکریٹس کا چکر بھی شروع ہو گیا ہے, اب انشاءاللہ بہت سارے لوگوں کا چکر شروع ہو جائے گا. آج انہوں نے نجی ہاؤسنگ سوسائٹیوں کا ذکر کیا ہے چیئرمین نے, اور کہا یہ لوگوں کو سہانے خواب دکھاتے ہیں, پلاٹ نہیں دیتے, لہٰذا میں چھوڑوں گا نہیں انہیں بھی. نہیں یہ سارے اصل بات یہ ہے کہ کرپشن جو ہے وہ پاکستان کے پورے معاشرے کو کینسر کی طرح کھا رہی ہے, اور پورے معاشرے کے اندر کرپشن ہے, اور احتساب کو ایک بیلنس, غیر جانبدار اور ایک اپ رائٹ اور شفاف ادارہ بنا ہونا چاہیے. کئی سال لگاتار اسلام آباد کی نجی ہاؤسنگ سوسائٹیوں پر لکھا, کوئی ماننے کو تیار نہیں تھا کہ یہاں کرپشن ہے. اس جسٹس جاوید اقبال نے آ کے کہا کہ یہاں پہ کرپشن ہے. یہ ون کانسٹیٹیوشن ایونیو پہ جو بلڈنگ ہے, یہ میں اکیلا تن تنہا خوشنود علی خان, بعد میں بہت سارے لوگ آ گئے نمبر ٹنگنے والے, میڈیا میں بھی بولنے والے, یہ میں نے شروع کیا تھا. یہ اربوں روپے کا پروجیکٹ ہے. میں نے کہا تھا یہاں بن ہی نہیں سکتا, یہ سی ڈی اے کے ماسٹر پلان میں آپ نے تبدیلی پیدا کی ہے, لیکن یہ ہے جس نے پورا کیا. اور اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 ججز نے فیصلہ دے دیا ہے کہ اس کی جو لیز کینسل والی بات تھی وہ ٹھیک تھی, تو شکر اللہ کا کچھ ہونا شروع ہوا ہے. خوشنود علی خان, میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ پاکستان کی قومی ضرورت ہے کہ احتساب کمیشن جو ہے وہ سچ مچ کا ایک غیر جانبدار, شفاف اور اپ رائٹ اور ایک مضبوط اور ایک طاقتور ادارہ بنے. اس کے بارے میں یہ تاثر پیدا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کسی خاص پولیٹیکل مشن پہ ہے یا کسی خاص کو ٹارگٹ بناتا ہے. ایک غیر جانبدار ادارہ جو ہے اس کو بننا پڑے گا, اور ثابت کرنا پڑے گا. کسی کے لیے بھی نہیں ہے, وہ احتساب کے لیے ہے. اور وہ کہتا ہے کہ احتساب کا دفتر جہاں سے شروع ہوتا ہے وہاں سفارش ختم ہو جاتی ہے. ہمارے پاس کیونکہ اس پروگرام کا وقت ختم ہے, ناظرین اجازت دیجئے انجم رشید کو, خوشنود علی خان کو اور ڈی این اے کی پوری ٹیم کو. ناظرین